दोस्तों, जब भी कभी भारत के अरबपति लोगों की बात की जाए, यानी भारत के सबसे अमीर लोगों की बात की जाए, तो दो नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। पहला तो है रतन टाटा और दूसरा मुकेश अंबानी। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल हमेशा बना रहता है कि इन दोनों लोगों में से ज्यादा अमीर कौन है। वैसे कागजों पर तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ हमेशा ही रतन टाटा से ज्यादा नजर आती है, लेकिन क्या सच में मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज्यादा अमीर हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा और मुकेश अंबानी के पूरे इतिहास और उनकी नेटवर्थ की सटीक तुलना करके दिखाएंगे, जिससे ये बात पूरी तरह साफ हो जाएगी कि असल में इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है। तो चलिए दोस्तों, अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ का कंपैरिजन करते समय इन दोनों ही लोगों का इतिहास जानना बेहद जरूरी है, और इसीलिए पहले हम रतन टाटा के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, टाटा का ये इतिहास आज से 152 साल पहले सन 1868 में शुरू हुआ था, क्योंकि उसी साल जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। अब जमशेद जी टाटा की अगर बात करें तो उनका जन्म सन 1839 में गुजरात के नवसारी में हुआ था। 14 साल गुजरात में बिताने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए थे। इसी शहर में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और अपने पिता के साथ काम करने लगे। दोस्तों, जमशेद जी को एक खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। हालांकि उस समय अंग्रेजों के राज की वजह से खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जमशेद जी के इरादे काफी मजबूत थे। आखिरकार जमशेद जी ने सन 1868 में 21,000 की पूंजी से एक कॉटन कंपनी की शुरुआत की और यहीं से टाटा ग्रुप की नींव पड़ी। जमशेद जी की उम्र उस समय सिर्फ 29 साल थी और उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत नागपुर शहर में एक कॉटन मिल बनाकर की थी। वो शुरुआत से ही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में विश्वास रखते थे और कॉटन के बिजनेस को समझने के लिए वे कई बार इंग्लैंड भी गए थे। जमशेद जी ने अपनी कॉटन मिल को बहुत अच्छी तरह चलाया और साथ ही अपने आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी। असल में जमशेद जी का सपना एक स्टील कंपनी खोलना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना और भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना था, क्योंकि जमशेद जी भारत को एक सशक्त देश बनाना चाहते थे और वो तभी संभव हो सकता था जब भारत में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। जमशेद जी ने इन तीनों ही लक्ष्य को हासिल करने में अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन दोस्तों अफसोस की बात ये थी कि अपने पूरे जीवन में वो इन तीनों में से एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए थे। एक बार जमशेद जी को इंडियन होने की वजह से एक 5-स्टार होटल में जाने से रोक दिया गया था, और तभी उन्होंने सोच लिया था कि वे एक ऐसा 5-स्टार होटल बनाएंगे जिसके अंदर सभी भारतीय लोगों को जाने की आज़ादी होगी, और तभी उन्होंने मुंबई का मशहूर ताज होटल को बनवाया था। असल में जमशेद जी खुद से ज़्यादा भारत और भारत के लोगों के बारे में सोचते थे, और यही सीख उन्होंने अपने बेटे दुराब जी को भी दी थी। साल 1904 में जमशेद जी के निधन के बाद जब कारोबार की जिम्मेदारी दुराब जी पर आई, तो उन्होंने ना सिर्फ अपने पिता के आदेशों पर चलते हुए सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया, बल्कि उन्हें एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दुराब जी ने अपने पिता का सपना पूरा करते हुए साक्षी नाम के एक गाँव में अपना स्टील प्लांट लगाया। साल 1938 में दुराब जी के बाद टाटा सन्स की बागडोर जेआरडी टाटा के हाथों में आ गई। जेआरडी टाटा एक जबरदस्त बिजनेसमैन थे और वे बहुत तेजी से नई कंपनियां और नए बिजनेस शुरू करते थे। जिस समय जेआरडी टाटा कंपनी के चेयरमैन बने, उस समय टाटा ग्रुप में कुल 14 कंपनियां हुआ करती थी। दोस्तों, ये तो हम बात कर रहे हैं बिग बिजनेस टाइकून्स की, जो कि शेयर मार्केट में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं, और आप भी शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए 5paisa का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे 5paisa के फीचर्स, नए कॉन्सेप्ट और अकाउंट ओपनिंग के बारे में। अब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और भी इजी 5paisa के मेकिंग इन्वेस्टमेंट इजी एंड रिवॉर्डिंग आइडिया के साथ। आप 5 मिनट में घर बैठे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 5paisa के जरिए आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड और IPO, इन सब में एक ही अकाउंट के जरिए निवेश कर सकते हैं। यहां आपको हर ट्रेड के लिए सिर्फ 20 रुपए पे करने हैं, फिर चाहे निवेश 10,000 का हो या 10 लाख का, आपको 20 रुपए ही देने हैं। हालांकि चलिए अब हम जानते हैं डबल धमाका ऑफर के बारे में। 5paisa के पावर इन्वेस्टर पैक में आपको मिलेंगे वर्थ 500 रुपए के बहुत सारे रिसर्च टूल विद अनलिमिटेड एक्सेस, और मिलेगा 50% डिडक्शन ब्रोकरेज में भी। इसके अलावा 3 इम्पोर्टेंट टूल्स जैसे स्विंग ट्रेडर, स्मार्ट इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो एनालाइजर का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और पावर इन्वेस्टर पैक जो कि 499 रुपए का है, आपको 1 महीने के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको ऑफर 999 कोड का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, देखा ना आपने इतने सारे बेनिफिट्स 5paisa के साथ अकाउंट ओपन करने पर, तो देर किस बात की। अभी डाउनलोड करिए 5paisa और अकाउंट प्रीमियम बनाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
दोस्तों जेआरडी टाटा ने ही भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जिसको आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टाटा की कुछ मशहूर कंपनियां जैसे टाटा केमिकल, टाटा टी, टाटा मोटर्स और टीसीएस की शुरुआत भी जेआरडी टाटा ने ही की थी। सन 1991 में जब जेआरडी टाटा ने कंपनी का चेयरमैन पद छोड़ा था तो कंपनियों की संख्या 14 से 95 पहुंच गई थी। जमशेद जी और दोराब जी की तरह ही जेआरडी टाटा भी खुद से पहले भारत और भारतीय नागरिकों के बारे में सोचते थे और इसीलिए वह टाटा के सोशल वर्क को एक कदम और आगे ले गए थे। दोस्तों जेआरडी टाटा के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रतन टाटा और रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद टाटा के सभी बिजनेस और कंपनियां और भी नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। अब टाटा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राज करती है। दोस्तों ये तो हुई बात टाटा ग्रुप की, अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी के इतिहास के बारे में। दोस्तों मुकेश अंबानी की ये कहानी साल 1960 में शुरू होती है, क्योंकि उसी साल उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की थी। दरअसल धीरूभाई अंबानी का जन्म सन 1932 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। वैसे तो उनके पिता एक टीचर हुआ करते थे, लेकिन फिर भी धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत सी छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया, लेकिन दोस्तों उनका मन हमेशा ही खुद का व्यापार करने का हुआ करता था। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 1960 में मुंबई के अंदर अपनी पहली कंपनी रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। ये कंपनी भारतीय मसालों और पॉलिस्टर यार्न का व्यापार करती थी। इसके बाद साल 1966 में धीरूभाई ने कपड़े का व्यापार शुरू किया और अपनी दूसरी कंपनी रिलायंस टेक्सटाइल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड की नींव डाली। दोस्तों साल 1973 में इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया गया। धीरूभाई अंबानी भले ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर बिजनेस करने की जबरदस्त काबिलियत थी। वह लोगों का भरोसा जीतने और उनसे अपनी बात मनवाने में माहिर थे। यही वजह थी कि उस जमाने में भी रिलायंस के पास जरूरत से ज़्यादा इन्वेस्टर्स मौजूद थे, जबकि दूसरी कंपनियां दिन रात मेहनत करके भी इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं जीत पाती थी। इसके बाद दोस्तों धीरूभाई अंबानी ने कई अलग अलग बिजनेस शुरू किए और जिस भी बिजनेस में उन्होंने हाथ डाला उसमें वो टॉप बिजनेसमैन बन गए। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी का देहांत होने के बाद उनका पूरा बिजनेस उनके दोनों बेटों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच बांट दिया गया, लेकिन बाद में अनिल अंबानी को बिजनेस में लॉस होने लगा जिससे उनकी कई कंपनियां बैंकक्रप्ट हो गईं। अभी कुछ समय पहले ही उनका ये बयान भी आया था कि कारोबार में घाटा होने की वजह से इस समय उनकी नेटवर्थ जीरो हो गई है। इसके विपरीत मुकेश अंबानी ने अपने पिता से विरासत में मिले बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से चलाया और वो अपने हिस्से में आई सभी कंपनियों को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि आज उनकी गिनती सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अमीर लोगों में की जाती है। दोस्तों ये तो हुआ दोनों कंपनियों का इतिहास। अब हम रतन टाटा और मुकेश अंबानी दोनों की तुलना करके ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि दोनों में ज़्यादा अमीर कौन है। दोस्तों मुकेश अंबानी की अगर बात की जाए तो उनकी प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जबकि रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो आदि सभी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ही सब्सिडरी है। अब अगर बात करें टाटा ग्रुप की तो रिलायंस कंपनी की तुलना में इसकी सहायक कंपनियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाटा ने लगभग हर एक इंडस्ट्री में ही अपनी दस्तक दी हुई है। ऐसे में अगर हम दोनों कंपनियों के मार्केट कैप यानी मार्केट वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम टाइम टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से ज़्यादा रहता है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से ज़्यादा है तो फिर रतन टाटा का नेटवर्थ मुकेश अंबानी से इतना कम क्यों है। असल में इसका कारण ये है कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लगभग 48% शेयर के मालिक हैं, इसीलिए सितंबर में उनकी नेटवर्थ $88 बिलियन तक पहुँच गई थी। और अगर बात की जाए रतन टाटा की तो टाटा कंपनी में उनके शेयर 1% से भी कम है, जिसके कारण उनकी नेटवर्थ मुकेश अंबानी के सामने काफ़ी कम नज़र आती है। अब ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि अगर रतन टाटा सिर्फ 1% शेयर के मालिक हैं तो फिर टाटा की बाकी शेयर होल्डिंग किसके पास है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि टाटा की लगभग 66% शेयर होल्डिंग उनके द्वारा बनाए गए चैरिटेबल संस्थाओं के पास है, जिसमें सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसी बहुत सी संस्थाओं के नाम शामिल हैं। दोस्तों ये सभी संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय लोगों की मदद करने का काम करती है।
अब अगर ये 66% शेयर इन संस्थाओं की जगह रतन टाटा के नाम होते तो यकीनन आज वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाते। दोस्तों, इन सभी चीजों से हमें पता चलता है कि मुकेश अंबानी भले ही पेपर पर अमीर हैं, लेकिन असली अमीर तो रतन टाटा ही हैं। बाकी इन दोनों लोगों के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।